Hello and Namaste, myself Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to cover a new topic which is shaft sinking operation. इस बारे में हम लोग पहले शाफ्ट के बारे में समझेंगे, शाफ्ट सिंकिंग, शाफ्ट कैसे ओपन होता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या पर्पज़ होता है और भी बहुत चीज़ हम शाफ्ट सिंकिंग के बारे में समझेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा शाफ्ट सिंकिंग. अगर हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करके दो पार्ट्स में बनाएं तो शाफ्ट और सिंकिंग दो पार्ट बनता है. तो शाफ्ट का मतलब क्या होता है, पहले हमारे माइनिंग में एक शाफ्ट क्या होता है? तो शाफ्ट एक ऐसा एक वर्टिकल या फिर हम बोल सकते हैं एक इंक्लाइंड ओपनिंग है जो कि हमारे सरफेस से अंडरग्राउंड की तरफ जाता है, जिसमें हम लोग जो मैन एंड मटेरियल या फिर ओर को हॉइस्ट करने के लिए, पानी पंप करने के लिए या फिर हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए, ये सब अलग अलग पर्पस के वजह से हम लोग एक शाफ्ट ओपन करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इन पर्पस के लिए एक वर्टिकल ओपनिंग होती है हमारी सरफेस से अंडरग्राउंड के लिए. नाउ अभी जो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा शाफ्ट, नाउ नेक्स्ट थिंग इज आवर सिंकिंग. सिंकिंग बेसिकली क्या है? तो सिंकिंग हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि ये एक हमारे शाफ्ट को एक्सकवेट करके जो हमारा काम, जो प्रोसेस होता है एक्सकवेशन का, जिससे हम लोग शाफ्ट बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग सिंकिंग बोलते हैं. तो अभी इन्हीं दोनों डेफिनेशन को अगर हम मिलाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा एक्सकवेशन प्रोसेस है जिससे हम लोग एक वर्टिकल ओपनिंग खोलते हैं सरफेस से अंडरग्राउंड में, जिसमें हम लोग मैन मटेरियल या फिर वेंटिलेशन या फिर पानी पंप करने के लिए या फिर हम जो ओर को हम लोग हॉइस्ट कर रहे हैं, जो भी वेस्ट रॉक है, इन सब पर्पस के लिए हम लोग एक ओपनिंग ओपन कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट सिंकिंग. तो ये हो गया हमारा बाय वर्ड डेफिनेशन. इन लेमैन लैंग्वेज में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं. अभी हम समझते हैं कि शाफ्ट सिंकिंग के पर्पस क्या क्या होते हैं, शाफ्ट सिंकिंग किन किन पर्पस के लिए यूज़ करा जा सकता है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट, पहले जो हमारे माइनिंग से रिलेटेड है, फर्स्ट थिंग इज दैट माइनिंग द मिनरल डिपॉजिट. यस, हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में पहुंचने, जब हम लोग को अंडरग्राउंड माइंस में कोई भी मिनरल डिपॉजिट में माइनिंग करना होता है तो हमको एक शाफ्ट की जरूरत पड़ती है. दैट इज द फर्स्ट पर्पस. सेकंड है हमारा टेम्पररी स्टोरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट के लिए. थर्ड इज आवर ब्रिज एंड अदर डीप फाउंडेशंस, कोई भी अलग फाउंडेशन है उनके लिए. फोर्थ इज आवर हाइड्रोलिक लिफ्ट पिट्स, देन वेल्स, और फिर अगर हम लोग कुछ टनलिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे पर्पजेज, जैसे लिफ्ट्स, एक्सकलेटर, स्टेयर्स, लैडरवेज, वेंटिलेशन या फिर कन्वीनियंस ऑफ लिक्विड या फिर पाइप्स कैरी करने के लिए या फिर कोई भी रिवर क्रॉसिंग के लिए केबल्स, ड्रेनेज, पंपिंग, ये जो सब एक्वेस टनल्स होते हैं, ये सब पर्पजेस में ये सब चीज़ों का काम आता है. तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो हैं ये कुछ पर्पजेस हैं जिसके वजह से हम लोग शाफ्ट की ज़रूरत पड़ती है. अभी कुछ और चीज़ों के बारे में समझते हैं कि शाफ्ट सिंकिंग एक बहुत ही स्पेशलाइज ऑपरेशन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड और स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है. जो भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं हमारे माइनिंग के, उसमें जो शाफ्ट सिंकिंग जो भी ऑपरेशन है, यह ऑपरेशन दूसरे माइनिंग में, जो दूसरे माइनिंग ओपनिंग्स के या फिर दूसरे टाइप से, ये थोड़ा कॉस्टली, हम लोग बोल सकते हैं ये थोड़ा कॉस्टलीस्ट ऑपरेशन है क्योंकि ये बहुत स्लो और टीडियस वे में काम चलता है. इसमें जो डिसीजन है जैसे कि साइज या फिर शेप या फिर पोजिशन के लिए, ये जो है ये हमारे क्या रिक्वायरमेंट है वो शाफ्ट के अकॉर्डिंग, हमारे शाफ्ट से क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ों को सेट किया जाता है. अभी हम कुछ चीज़ और देखते हैं कि जो सर्कुलर शाफ्ट्स हैं वो हमारे मोस्टली सारे सिचुएशंस में हम लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि ये हमको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. जबकि जब हमारा जो स्ट्रेटा है वो बहुत ही ज्यादा, हम लोग बोल सकते हैं टफ है, बहुत ही कॉम्पिटेंट है, जैसे कि बहुत सारे मेटल माइंस में होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग रेक्टेंगुलर या फिर इलिप्टिकल शाफ्ट का यूज करते हैं, जिससे हम लोगों को एक एडवांटेज मिलता है ताकि हम लोग एक प्रॉपर क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूज कर पाए. तो ये हो गया हमारा एक प्रॉपर पर्पस क्या होता है हमारे शाफ्ट सिंकिंग, हम लोग शाफ्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या क्या पर्पज होता है इसके बारे में. लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज लोकेशन. अभी जब भी हम लोग एक शाफ्ट ऐसे ही कोई जगह पे तो नहीं बनाने वाले, तो इसको हम लोग एक साइट पे बनाएंगे, एक जगह पे बनाएंगे. तो अभी वो जगह कैसे सिलेक्ट होती है उस चीज के बारे में समझते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट पोजिशनिंग रिगार्डिंग डिपॉजिट ज्योमेट्री. अभी जो मेन शाफ्ट है हमारा जिसको हम लोग प्रोडक्शन के लिए बनाने वाले हैं, जो हॉइस्टिंग के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, उस चीज को हम लोगों को ज्योमेट्रिकल वर्क फ्लो
सेंटर पे जो डिपॉजिट है उसके वर्कलोड सेंटर पे हम लोगों को बनाना पड़ता है। अभी ये चीज़ क्यों करना पड़ता है, इस चीज़ का प्लस पॉइंट क्या है कि हम लोग जब इसमें जो भी हमारा ओवर बॉडी है वहाँ पे हम लोग उसको शाफ्ट ऐसे पोजिशन में बनाते हैं ताकि जो शाफ्ट का कोई भी साइड हो उस साइड से ये दोनों साइड से इक्वल हो। अगर हम लोगों को इस साइड से अगर हमको निकालना पड़े तो भी वो चीज़ उसी कंफर्टेबल वे से निकल पाए जैसे कि हम लोग दूसरे टाइप से निकाल रहे हैं। तो ये होगी हमारी पहली चीज़। अभी कोई भी मेथड या फिर कोई भी प्रपोजिशन यूज़ करने के लिए जैसे कि हम लोग अगर फ्लैट डिपॉजिट पे काम कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमको एक प्रोटेक्टिव पिलर छोड़ना पड़ता है शाफ्ट के सराउंडिंग में। और अगर हमारा जो डिपॉजिट है वो स्टीपली डिप कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा शाफ्ट है वो हमारे ओवर बॉडी के फुटवॉल साइड में हम लोगों को बनाना पड़ता है ताकि हम लोगों को एक सेंट्रलाइज सर्विस मिल पाए। अभी ये सेंट्रलाइज सर्विस के लिए हम लोगों को उसी लोकेशन को चूज़ करना पड़ता है जहाँ पर हम लोगों को शाफ्ट बनाना चाहिए, और इसी पोजिशन को या फिर इसी शाफ्ट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी शाफ्ट। अभी ये हो गया हमारे ऑक्सिलरी शाफ्ट के बारे में। और एक चीज़ हमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, जैसे कि बहुत बड़ा माइन है जहाँ पे हमारा मेन शाफ्ट है वहाँ पे बहुत सारे और भी छोटे छोटे शाफ्ट हो सकते हैं अलग अलग पोजीशन में ताकि वो अलग अलग पर्पज़ में काम आ पाए। जैसे कि हमारा मेन पर्पज़ हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारा वेंटिलेशन एयर आउटलेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसे हम लोग लोकेशन सेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज आर पोजिशनिंग रिगार्डिंग सरफेस टोपोग्राफी। अभी इसमें क्या है कि जो हमारा शाफ्ट कॉलर है वो एटलीस्ट 5 मीटर अबव होना चाहिए हमारे हाईएस्ट फ्लड लेवल से। ये चीज़ का हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। एंड जो एक चीज़ हमको देखनी पड़ेगी कि ये जो प्लेस है वो हमारा ऐसे प्लेस से दूर होना चाहिए जहाँ पे कोई भी पब्लिक यूटिलिटी है या फिर वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं। और हम लोगों को एक इजी एक्सेस भी उसको ऐसी जगह पे होना चाहिए कि हम लोगों के पास एक इजी एक्सेस भी है जो भी उसके सराउंडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे रखे हैं जैसे कि कोई रोड्स हो गए, रेल, पावर एंड कम्युनिकेशन लिंक्स, ऐसे जगहों से हम लोगों को एक इजी एक्सेस मिलना चाहिए। और एक एक एनफ स्पेस भी होना चाहिए उसके सराउंडिंग में ताकि हम लोगों को जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज चाहिए होती हैं वो चीज़ों को एक प्रॉपर स्पेस मिल पाए ताकि उस हिसाब से काम हो। दैट इज़ आर सेकेंड थिंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पोजिशन रिगार्डिंग जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज, वाटर टेबल एंड ग्राउंड कंडीशन। अभी इसमें क्या है कि कोई भी हम लोग अभी एक एक्सप्लोरेटरी बोरहोल को ओपन कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी बोरहोल ले रहे हैं और उससे हम लोग एक रिकॉर्डिंग ले रहे हैं जिसमें हम लोगों को एक जो मेन शाफ्ट है उससे एक थोड़े से डिस्टेंस में लाइक 50 to 60 मीटर के डिस्टेंस में जहाँ पे हमारा एक प्रपोज साइट है वहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ को बनाना पड़ेगा, एक एक्सप्लोरेटरी बोरहोल ड्रिल करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को एक चीज़ पता चल पाए कि वो स्ट्रेटा का टाइप कौन सा है जिससे हम लोगों का ये शाफ्ट पास थ्रू करेगा। अभी ये बोरहोल को हम लोग उस शाफ्ट के सेंटर में क्यों नहीं बना पाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं, इसको हम लोग इसीलिए नहीं बनाते कि अगर कोई भी पानी उस जो शाफ्ट सेंटर के अंडर अगर कोई भी प्रेशर में होगा तो अभी जब हम शाफ्ट को श्रिंक करेंगे, जब हम शाफ्ट को बनाने लगेंगे तो इस बोरहोल को जो हमने एक्सप्लोरेटरी बोरहोल बनाया उसके वजह से कोई भी डिस्टरबेंस ना आए उसमें, तो जिसके वजह से जब हम शाफ्ट बनाएंगे तो वो पानी राइज अप ना कर पाए। तो ऐसे ही बहुत सारे जो भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एरिया है या फिर कोई भी डिसकंटिन्यूटीज है या फिर कोई भी फोल्ड्स है, वॉश आउट जॉइंट्स और ऐसी सारी चीज़ों को अवॉइड करके उस चीज़ों को ध्यान रख के को एक प्री हैंड प्लान बनाना पड़ता है। इस चीज़ का हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी लूज ग्राउंड या फिर वाटर बियरिंग स्ट्रेटा है और जो भी मड एंड रनिंग सैंड एरियाज है और जो भी अदर डिफिकल्टीज है उनके लिए हमको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या फिर हम लोगों को मेन चीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी जगहों से हम लोगों को उस चीज़ को जो भी हमारा शाफ्ट है उसको थोड़ा सा हम लोग दूर रखेंगे या फिर हम लोग उससे उस चीज़ों को थोड़ा सा मिनिमम पॉइंट ऑफ व्यू में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा कि हम लोगों के कौन से पॉइंट्स के बेसिस पे एक शाफ्ट का साइट हम लोग डिसाइड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें हम लोगों ने शाफ्ट के बारे में देखा, शाफ्ट के क्या क्या पर्पस होता है उसके बारे में समझा, और शाफ्ट का लोकेशन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, किन 3 पॉइंट से हम लोग शाफ्ट का एक पोजिशन डिटरमाइन कर पाते हैं, उन चीज़ों के बारे में समझा। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शाफ्ट सिंकिंग ऑपरेशन के बारे में और भी अच्छे से समझेंगे, और भी डेप्थ में जाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज ड्रॉप डाउन इन आर कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू यू एंड thank you from my magma.